नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव में मतदान के उपरांत 23 मई को होने वाली मतगणना को लेकर उमरिया जिले का प्रशासन दुस्त चुरुस्त नजर आ रहा है। मतगणना कार्य में किसी तरह की बाधा ना हो, जिसके लिए चुनाव अधिकारी सहित जिले के कलेक्टर स्वरुचेश सोमवंशी, एसपी सचिन शर्मा आदि ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। मतगणना कार्य में इंटरनेट सुविधा प्रभावित ना हो, इसके लिए प्रशासन ने निर्माण कार्यों में खनन पर 5 दिनों के लिए रोक लगा दी। प्रशासन का कहना है कि खनन से इंटरनेट सेवा प्रभावित हो सकती है, लिहाजा इसे न सिर्फ प्रतिबंधित किया जाए बल्कि निर्माण एजेंसियों को इस पर सख्ती से कार्यवाही का फरमान जारी किया जाए। वो इसलिए बंद किए गए हैं क्योंकि ये अपना नेटवर्किंग है यहाँ, और बिना कलेक्टर की अनुमति के कोई रोड वोड नहीं खोदेंगे क्योंकि फिर इसमें निर्वाचन कार्य में प्रक्रिया में बाधा आती है और नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। इसलिए 20 से 25 तारीख तक शहर में सभी कई विभागों के उसमें खुदाई पर रोक लगा दी गई है। जो रोड वगैरह खोदते हैं या गड्ढे खोदते हैं उस पर रोक। उमरिया से प्रदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट।